इंशाल्लाह आने वाले वक्त दे विच ये आ वी इन्हां ते बकरा चंगा छुट्टिया ना। हाँ जी, ये खुद वे खुद जदों तुहानूं ट्रेनिंग पुत्र उदों आउणी आ जिहदे ते तुसीं बच्चा नहीं पालिया। सही है। हाँ जी, बच्चा पालोगे तुसीं दस्सिया 7-8 साल तो कर रहे हैं, उम्मीद अल्लाह दे घर दी वी तुसीं तुहानूं तजर्बा खुद होना शुरू हो गया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त दे विच तुसीं मैनूं उम्मीद आ वी कामयाब होवोगे। इंशाल्लाह कामयाब दी निशानियां दिसदियां ये होंदियां ने जो तो बंदा ना इन्हें मगर फकीरी तरह यानी कि बंदा जुड़ जाता ना समझो बंदा मजबूत हो जाता अपने पैरों पर। बाकी बकरा चंगा छोड़ो, इन्हों रजाना जरूर आ, तुसी जो मर्जी करो रजाओगे तो कुछ लाओगे, भुखियां रही जाती कुछ नहीं देनी। बकरे ने बकरियां बननी, बकरी हल्की भी हो ना बकरे चंगे तो बकरी बनती है। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾ ਲਓ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਖੈਰ ਫੀਸ ਸੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੇਂ ਤੋ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੇ और जो एडवाइस यहाँ ने दी है ने तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा जी अब्बा जी के कहने पर जी चलेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, आप जैसा समझें यानी कहेंगे तो वैसे वैसे जानवर रखेंगे। फिलहाल उन्होंने दिखाने के लिए बुलाया, बाकी ये जानवर है इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मज़ीद बढ़ा तो और भी कवर करेंगे। तकरीबन कोई 20-15 जानवर हैं और पूछेंगे डिटेल वगैरह कहाँ से पिक किए और क्या माइंड सेट है जिनका इन फ्यूचर। तो डिटेल वगैरह लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, सबसे पहले नाम बता दें। मेरा नाम नवीद। और सर जी क्या वैसे करते हैं यानी कि अपना जॉब वगैरह क्या करते हैं? मैं जॉब वगैरह करता हूँ सरकारी जॉब। सरकारी? हाँ जी। तो ये शौक चाचू जी की वजह से वीडियो देख देख के सही है मुझे पढ़ा सही और है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब मैंने आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम कम से कम 1.5-2 साल पीछे देखनी शुरू की जी जी। तो ये जानवर पहले बात मेरे पास कुछ भी नहीं थे जी, तो ये अब ये नए परचेज किए हैं तो इसलिए मैंने चाचू को बुलाया कि चाचू भाई हाँ जी इनको देखें और हमें बताएं इनके मतलब और जी जी। और यानी कि स्टार्ट कब से किया है? स्टार्ट मुझे हो गया 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल पहले भी जानवर रखे हैं? पहले रखे थे, पहले वो टैडी या दूसरे जानवर थे। सही है। अब कोशिश मैंने ये किया कर रहा हूँ कि जानवर जो ना अच्छे मेरे पास हो यानी कि ब्रीडिंग पर ज्यादा काम करें। और उनका क्या मकसद हुआ यानी कि रखने का, क्या पता चला कि यार इनमें क्या और इनमें क्या है कि ज्यादा प्रॉफिटेबल वो होते हैं या आपके हिसाब से जो आजकल मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं? मार्केट में जब शो करना वो तो चलो आप रख रहे हैं, जब शो करना है छोटा जानवर है उसको भी आपने जी जी वो शो करना है। जब शो के मतलब मुझे ये शौक से ज़्यादा पहले मैं ये काम नहीं था मुझे इतना ज़्यादा शौक बकरा वगैरह एक रख लेना जी जी उसे पाल लेना। और मोस्टली पिक जानवर कहाँ से किए हैं जी? ये पिक कुछ जानवर 2-3 घर से किए हैं किसी से। सही है। तो बाकी मंडी से पिक किए हैं। बाकी मंडी से पिक किए हैं। और पर्सनली खुद किए हैं या कोई बंदा रखा है? नहीं ये भाई है छोटा। अच्छा, इसको भी शौक है तो यही सारा कर रहा है। सही होगा सही होगा माशाल्लाह। फिलहाल कितने जानवर हैं जी? फिलहाल ये 20-25 होंगे। और डेली यानी कि क्या रूटीन है खाने की सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेकर शाम तक बाहर चराई। सही है, चराई सिस्टम पर है जी मोस्टली। बाकी जो भी अब्बा जी ने कहेंगे वो भी पूछेंगे, बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मजीद बढ़ेंगे या इनिया इतने ही मेंटेन? कोशिश तो यही है हमारी कि हम इसको बढ़ाएं ज्यादा इंशाल्लाह, क्योंकि ये पिछले के दिनों में ये काफी जानवर ना कमजोर हैं अभी। सही है, बीमार भी हुए हैं। सही है, ठीक है, अभी भी कुछ ये बकरी एक्टिव नहीं है। सही है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक दफा चाचू का कि वो आए जी। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हमारा काम ही है जी हर बंदे का शौक कराना, बाकी इंशाल्लाह जो भी हुआ भाई को बताएंगे। हाँ जी। और यानी कि सही है ये घर की उनके। और यानी कि दस दो जी तुसी भी किस यानी काम आ जाए इधर आओ, तो तुसी बैठो इधर आओ, इधर मैं दसना बैठो। हाँ जी
गल है ना मुंडे दे नवे माशा शौक कर दे ना जी जी पहली गल तो बड़ी खुशी है चलो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती जॉब भी करते हैं शौक भी करते हैं जी जी दूसरी गल मुंडे सारे माशाल्लाह भाई ने चलो एक बंदा जॉब करता दूजे बंदा इस पास लाता वो किसी की नौकरी ना अपना काम तो उन्हें करवा लिया ये उन्हें माशा दो बंदे सौ बकरी मैंने पता बढ़ सकते तो घर भी पा सकते हैं बहर भी चार सकते हैं जिमें इन्हों की हिम्मत आ बहरों चरावे भी है इंशाल्लाह आने वाले वक्त के बच्चे यह भी इन्होंने बकरा चंगा छुट्टिया ना ये खुद ब खुद जदों तुम ट्रेनिंग पुत्र उदो आनी है जिन्हें देर तक बच्चा नहीं पालिया बच्चा पालोंगे तुम दस सत्त अठ सौ अठ साल तो अभी कर रहे हैं उम्मीद अल्लाह के घर दी तजर्बा खुद होना शुरू हो गया क्योंकि इसका नुकसान भी होंगे फायदे भी होंगे आ बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के मैनू उम्मीद आ भी कामयाब हो इंशाल्लाह कामयाब की निशानियां देखदियां ये होंदियां ने जो बंदा ना इन्होंने मगर फकीरी तरह यानी कि बंदा जुड़ जाता ना समझो बंदा मजबूत हो जाता बाकी बकरा चंगा छोड़ो इन्हों रजाना जरूर आ तुसी जो मर्जी करो रजाओगे तो कुछ लाओगे भुखिया रही जाती कुछ नहीं दें ये तो अज ना थोड़ा जा सेव ही सी इस वास्ते इतने तो नहीं लड़का लैके चलांदा भी शाम भी शाम चुराओ भी जो मर्जी करो पिने पिने एक मिनट तो उन्नी तो यही राजी होंगी जिन्हें दाना उन्होंने ना मिले एक टाइम बंडा जरूर मिले जिन्नी मर्जी चराओ या ना चराओ क्योंकि बंडा तो जो भी पाना लूसन पाओ पत्थर पाओ जिन्ना मर्जी दूसरा सौदा बंडा का मकसद होंगे मक्की कणक दाना खाल तो ए मिक्स जहा करके दलिया बना के ना तो वह सौदा इन्होंने द्यों करोगे एक एक पाइया तुहानू होना चाहिए शौक आप बैठे ज अपने सोने चिड़िए के घर साहिवाल के आप सोने चिड़िए ही बैठे हाँ अपन तो मक्की हूँ इतने हर हूँ हर इलाके ही आ दो हज़ार में मक्की मसल दो माल लिया हो मक्की तो पाँच किलो छट्टी हो इस तरह थले भावें तो दाना दाना चुग लें सजा जो मर्जी खान शाम दुध तुहाडा पाँच किलो वधेगा पाँच दस ना तो शौक वधेगा गर्मी गर्मी च सर्दी में पाइए फिर घर डक के जो मर्जी पाओ लूसन पाओ थोड़े को पौधे ही इन्ने चंगे है जिन्हें सर्दियों घर ही डक डी कभी दी चारी चूरी दी पर थोड़ा घट हाँ हाँ चलो बचाओ तो बाकी रजाओगे तो कुछ लाओगे ना रजाओगे ना मैं तो एक दो का शौक करता सी छोटा भाई फिर मैं कहता कि मैं शौक करवाओ ना लैके दो अच्छा फिर आसा आसा ना कुछ तुम्हारी वीडियो इन्या के देखिया सी कोशिश की फायदा ही है ना जब नुकसान ही है नुकसान कोई नहीं सारे पीर फकीर चल रही हर पैगंबर ने शौक किया वा कमाई भी की जो है भी कुछ की माड़ा काम नहीं गा ये बिल्कुल सही है जानवर तुम बिल्कुल ना जायज मुनासिब तरीके से ले आते जी बस इन्हें कामयाब होवो उन्हें वेखना बकरी आ अपनी अकाली बकरी सून वाली जी फड़क लिया आ पिछली बड़ी तो बिजली इन्होंने कुछ पाओगे तो बच्चा किस तरीके रजाएगा तो निकलेगा हूँ ये बच्चे निकल का भी खतरा वा इनू ना मेरा पुत शाम इनू कुछ भी नहीं वंडा थोड़ी लाजमी आई बकरी पाओ बेगुने के अंदर बच्चे आ बकरी के ना दरअसल बकरी सी किसी के कोल अच्छा इनू सानू थोड़े दिन ही हुए आ पिक कीती नू हां जी ठीक है ये स्टार्टिंग होंगी साढ़े को ना जमें आसी ये कम से कम कोई दो चार दिन या हफ्ता लगा लो आए जी ये कुछ अगे नो बेहतर आ ठीक ठीक है ये पहले नहीं है साढ़े को स्टार्ट ही तो सा कोशिश होंगी कि जरा जानवर प्रैगनेंट हो जाए दो या ढाई महीने तो क्रॉस हो जाए ना असी उन्हों फिर फीड वगैरह या जोड़ा वंडा असी घर बना के कणक मक्की अपना यानी कि फार्म अगे ले जाओगे कि इतने ब्रेक लाओगे साड़ी कोशिश बहुत ज़्यादा मेरी क्योंकि शौक भी है तुसी नाल थोड़ा जिहा सानू गाइड करिए अगे जाने की कोशिश हैगी है अल्लाह पाक तुहानू कामयाब करे ऐ नंबर पर बोलना सर जी जानवर कि जगह कितनी है जिस एरिया में ये रखे हैं कितना का सारा ये भी इन्हां दी जाति अपनी ये भी अप, हो गया ते बाकी जेडी साडे को इना जिथे बंद वगैरह करी दा ना वो है तीन कमरले छत ते या नीचे नहीं ओपन ही नीचे हां जी सही है उसी चार दीवारी कीती हुई है इना एक धारा बाकी ओपन सही और कोई और क्वेश्चन क्योंकि आए हैं पूछना हो तो आपने पर्पस आने का यानी कि पूछने क्योंकि सन मैं यही मकसद है कि अशरफ साहब नू दिखांदा माशा तू पता ना जानवर इन दे विच देखो कि असि एक हो गए इना ते बकरा छड़ के मेन चीज बकरा ही है सानू इना नू चेंज करन दी जरूरत है नहीं जी नहीं आ देखो ना माशाल्लाह बेहतर सानू इधर ने अंदर दुध ने लिया दोनों तीनों ही चार ने ओ चौथी ओ वा ए देखना ब्रीड माशाल्लाह सिंगी कान ये वो ब्लड
ਇੱਧਰ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ अपने लोग मर्जी किया दुध आली ब्रीड है चार पांच वेखिया एक बंद ले सब तो चंगा दुध तो ज्यादा ਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਆਈ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਪਰਲਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਦਮ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ 3-4 ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇਰ ਆ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੱਤਰ ਲਾਂਗੀ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸ਼ੰਗਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਆ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ ਥਣ ਚੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਣ ਚੱਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ कपड़े उड़े ने ब्रेड सारा चंगा दुध आली ब्रेड तू ना तजर्बे कुछ भी नहीं ना है शाम 5 किलो मक्की लिया के सुट दे एक बार बारो खांदी मक्की दाने उन्ने दिन तो पानी जो पाएगा इंशाला बाकी तेरे को मुख जानी ਕੋ ਲੋਸਨ ਕਿ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਲੈ ਲਓ ਜੰਤਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾ ਜੰਤਰ ਹਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰਾ ਤਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਆਲ ਟੂ ਆਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਬਲੈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਲੈਡ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ 2728 28 77 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
मेन सिटी में है जी। ठीक हो गया माशाल्लाह इंशाल्लाह ना आने वाले वक्त जे मुंडे जिन्ने होंगे शौक करेंगे साडे पाकिस्तान अगे जरूर ले जाणगे इंशाल्लाह। ताडियां मेहनतां वा कुछ जेडे साडे वगैरे लड़के हैगे वो वीडियो देखदे मैं देख रहा कि पिछले दिन जे तुसी बहुत ज्यादा ना वर्क किया कदी मुल्तान कदी रात नु किते जा रहे अज रात असीं आहो कॉल आ रही आ पिछे वे ठीक है असीं हुण मेरा ख्याल है ताडी मोहब्बत भी बहुत आ साडे तो भाई फेरू कसूर शेखूपुर गुजरां वाला फिर उस तो बाद असीं जांदे पए जी हुण माशाल्लाह की इहदा नाम आ जेलम गुजरात इधर अं जा रहे हैं ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸ ਆ ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਕੋ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਕਰਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ مشਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਆਂਗਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਲਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਹਲਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੇਬਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੀਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾ ਲਓ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ
घर घर शौक हो। मेन कामयाब होने के लिए दो ही पॉइंट साडे वाल वेख के माशाल्लाह जिहड़ा चढ़दे पंजाब वाले ने ना इंशाल्लाह जो भी पंजाबी ने उधर दे पंजाब दे सिख होए बाकी कुछ होर भी ने मसाले भी हरियाणे दे बंदे ने काफी सारे आवाम साडे वाल वेख के बड़ा शौक करन दे ओ खुद आप उन्होंने रेड़ लिया काम भी यार चाचे जी ने फड़ के ना एक सानू जिंदा करता इस काम काफी मेहनत था जी हां उस्ताद बकरी सी। कोशिश करांगे कि अगली नेक्स्ट वीडियो जी ना सात जानवर की भी करांगे इंशाल्लाह।